पंच फेस के साथ गुलाबी पन का शौक है हमारा, गुलाबी प्लस पंच फेस। ये तो पूरा वो कपला टाइप का बच्चा है, पूरा गुलाबी, इतना गुलाबी है और यही क्वालिटी, थोड़े कान कम है वो भी आ जाएंगे। हाँ, अब जो नया ब्रीडर लाया हो ना, वो इसके ऊपर इसका रीजन तो होगा। मेरा सबसे बड़ा वही ड्रीम है कि इंशाल्लाह आने 5 साल बाद मेरे वहाँ सब फीमेल, एक भी फीमेल ऐसी नहीं रहेगी जो 20 कान के नीचे होगी। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है और उसी के लिए अभी मेरी तैयारी एकदम दिक्कत होती है। फिर बोल दे नुकसान हो रहा है। सर ये थैली में देख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये अपने जो मक्खी के लिए मैंने लटकाई हुई है। इससे सही में होता है क्या? 100% चार पांच फार्मों पे देख लिया यहाँ पे तो। हाँ नहीं, होता है 100%, लेकिन उसको लाइट के नीचे रखना जरूरी है। अच्छा, ये पॉलीथीन में पानी डाल के बांध दो और लाइट के नीचे रख दो। हाँ, क्योंकि कई लोग थोड़ी दूर लटका के बैठे हुए और बोल रहे हैं मेरे को उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये पहली बात वही है, उसको लाइट के नीचे रखना जरूरी है। तो इसका रिएक्शन क्या होता है उसमें? देखो, आप भी देख सकते हो, अगर वो उसके थैली के ऊपर जो अगर लाइट गिरेगी ना, तो उसके अंदर से कोई रोशनी गिरती है, देखो रोशनी बाहर निकल दे, उससे क्या जो मक्खियां रहती है उसकी आंखें अंधी हो जाती है, तो उसी डर के वजह से मक्खियां भाग जाती है। एक बार इसको दिखाओ, क्या कान होंगे इसके साथ? इसके 20-8 कान है। ये मेवाती से आई है, पतिरा से आई? नहीं, ये हैदराबादी से आई हुई है। प्योर हैदराबादी? हाँ, है? बाप भी हैदराबादी। अच्छा, इसकी जो दो पट्टे आपने एक वीडियो में दिखाई थी वो वही है? इसके साथ एक और थी? इसके इसका एक मेल था अभी मेरे पास, जो अच्छा। अभी मैंने आमेना गोट फार्म पे सोल्ड कर दिया, क्योंकि ट्रेडिंग के काम में क्या होता है कि बाहर से हम जब माल लाते हैं तो कई जानवर ऐसे होते हैं जिसको वैक्सीनेशन नहीं होता, और लाके हमारा जो वैक्सीनेशन वाला माल रहता है उसके अंदर वो बीमारी फैलती है। और दूसरी बात कि लोगों का जो ट्रस्ट रहता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हम हमारी क्वालिटी डेवलप करते हैं और लोगों को देते हैं। हालांकि आज हम बाहर से लेके सेल करेंगे तो लोगों को लगेगा कि इनकी क्वालिटी नहीं, हो तो मालूम ही पड़ जाती है, लेकिन अपना नाम और खराब हो जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर विद जीपी पर। दोस्तों, हम आए हुए हैं माशाल्लाह हाइब्रिड गोट फार्म पे। ये नीमली के अंदर है, अहमदाबाद से कुछ ही दूरी पे है। बहुत क्वालिटी वाली माल रखते हैं ये लोग। अभी हैदराबादी लंबे कानों के अंदर काम कर रहे हैं और उसमें भाई साहब क्या काम कर रहे हैं, पूरा काम आपको देखना है। दोस्तों, क्या कि ये अपना घूमना जब भी सार्थक होगा जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ और आपको वो क्वालिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो प्रयास रह रहा है कि लोग इस शौक को और भी आगे बढ़ाएं और कैसे अपनी नस्ल तैयार करें। वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, ओनर से मैं बात करवाऊँगा। कुछ काम करना है तो जाके काम कर लीजिए, पहले स्किप कर दीजिएगा वीडियो को, छोड़ दीजिएगा, बाद में आके भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना ना भूले, और देखते हुए कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो में शुरू करता हूँ। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है वारैया इमरान भाई। इमरान भाई, क्या जबरदस्त नस्ल रख रहे हैं। कहाँ पर हैं हम अभी? ये अहमदाबाद से करीबन 100 किलोमीटर आगे अहमदाबाद राजकोट हाईवे पे लिमड़ी करके मेरा लोकेशन है। ये लिमड़ी, जैसे हम लोग आगे चले गए थे, ठीक है, सही है, तो वो बीच में है लिमड़ी से 6 किलोमीटर पहले, ये बताओ आप। हाँ, लिमड़ी कोई आने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, लिमड़ी नहीं है प्रॉपर, लेकिन आप लिमड़ी बोलोगे तो हर बंदा तुम्हारे को लोकेशन पे पहुंचा के देगा। हाँ। वैसे ये भाई जो है वो लोकेशन आपको मोबाइल पे भेज देंगे। सही है। सर, मैं पहले इस बकरे के बारे में जानना चाहूंगा, थोड़ा बताइए। ये जो बच्चा है वो अभी अदंत बच्चा है जी, और ये अभी प्रेजेंट में मैंने परचेस किया हुआ है गाँव में से, खरीदा है। हाँ, क्या बात करो, क्या क्वालिटी देखी है आपने इसमें? ये मुंडा बच्चा है, सिंग नहीं, बिना सिंग वाला है, और पूरा गुलाबी बच्चा है और वाइट आइज के अंदर है। अभी 9 से 10 महीने का और 16+ कान है उसके। हाँ, 9 से 10 महीने का है। हाँ, अब मेरे को ये बताइए आप, 1 साल बाद इसके कान कितने हो जाएंगे? ये करीबन 18 से प्लस पहुंचेगा आराम से, 18 से 20 कान बनाएगा, क्योंकि इसका जो बाप है ना वो हमारे गांव में इस्माइल भाई करके अजवा गोट फार्म वाले। हाँ। उसके पास एक मुफासा करके बकरा है बड़ा जी, ये उसका डायरेक्ट बेटा है, बड़ा खूबसूरत है जी, और इसके बाप की कान की साइज 22.5 के आसपास है। क्या लगता है क्या रिजल्ट आने वाला है इसका? अभी तो देखो, ये प्रेजेंट अभी तो बच्चा है, उम्मीद तो बहुत सारी है और रिजल्ट भी मिलेगा इसका। क्रॉस तो करवाया नहीं अभी तो? नहीं, अभी नहीं क्रॉस करवाया। क्रॉस तो हो जाएगा लेकिन अभी करवाना नहीं है। हाँ, बहुत एग्रेसिव है लेकिन अभी उसको क्रॉस नहीं करवाया। ठीक है, इसका नाम रखा है कुछ? नहीं, इसका नाम रखा है डॉन। डॉन? हाँ। तो डॉन भाई साहब को हमने देख लिया है। ये दूसरा वाला, इसका बताइए। ये जो बच्चा है ना वो प्रेजेंट में भी बाहर से ही परचेस किया हुआ है, लेकिन थोड़ा टाइम हुआ इसको। पहले ये बताओ, अबलक लेने का कारण क्या है डबल कलर में? क्योंकि हमारी जो फीमेल है ना वो ज्यादातर गुलाबी रहती है हाईपेड के अंदर।
ठीक है। और ये जो अबलग का काम रहता है, बस उसको इसके अंदर चेहरा डालना और कान और लंबे करना। हाँ, अब इसका फेस मेरे को थोड़ा यूनिक दिख रहा है, इसके बारे में बताओ। जी, ये ब्लड लाइन है ना, वो बात करूँ तो मैं बेंगलोर के अंदर तजम्मल भाई करके है, उनके पास एक बकरा था क्रिस्टल किंग। अच्छा। ये डायरेक्ट उसका बेटा है। कान कितने हैं इसके? ये करीबन 19 से 20 इंच होंगे। अब ये बिल्कुल ओरिजिनल लाइन है? हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल ब्लड लाइन का बच्चा है। सर भाई एक बार कान की चौड़ाई बताओ कितनी है? ये देखो, ये करीबन 8 के आसपास चकलान होगी। बहुत जबरदस्त। और 20-22 कान? हाँ, 20 कंप्लीट 20 कान होंगे। मापे नहीं है लेकिन अंदाज से मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, इसकी तो जीभ भी बाहर आ रही है, मतलब ये हाँ, वो तोता फेस है ना, इतना पंच फेस। जिसे भी पंच जो अभी सब लोग बोल रहे हैं ना, वो पंच के अंदर है। इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है ना? इसका रिजल्ट तो आप थोड़े लेट पहुंचे, आपके साथ तो बहुत टाइम से कांटेक्ट था, लेकिन इसका रिजल्ट प्रेजेंट में भी अपने पास अवेलेबल है और बहुत सारा बच्चे इसको सेल भी किए हुए हैं। हाँ, सबसे पहला बच्चा आपके उधर ही मैंने दिया हुआ है, राजस्थान में। हाँ, 3 महीने का था और 1,35,000 में दिया था, 16+ कान के अंदर। अच्छा, हाँ, 3 महीने का बच्चा उठा। हाँ, देखो राजस्थान आया है। हाँ, खूबसूरती पे काम कर रहे हैं जी, खूबसूरत। अभी प्रेजेंट भी 2 बच्चे राजस्थान में ही दिए इसके। एक बात बताइए ना, आप कर रहे हैं, मैं आपको 4-5 साल से कॉन्टेक्ट में भी हूँ, अभी बीच में नहीं था, अभी वापस कॉन्टेक्ट में आ गया। सही है, एक ही ब्रीड पे काम कर रहे हैं, एक ही क्वालिटी में काम कर रहे हैं, ये कैसे मतलब हुआ, डिसाइड कैसे हुआ कि ये करना? सबसे पहले हमने पतिरा से स्टार्ट किया था। ठीक है, आइए ना, चलते चलते बात कर, अंदर भी चलना है अपने को। अरे इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये फ्री है, अब इसका बच्चा दिखाएंगे हम। पतिरा से काम शुरू हुआ था? हाँ, सबसे पहले हमने पतिरा का शौक किया था। ठीक है, जो 2 से 3 मेल लाए थे हम, लेकिन मेल में अच्छा बेनिफिट ना होने की वजह से हमने बकरिया पालना स्टार्ट किया। पहले मेल में काम करते हाँ, थे, पहले मेल में काम, अब बकरियां पालना शुरू कर। हाँ। अब मैं एक ही बात करूंगा, बहुत महंगा शौक है, कैसे पॉसिबल हुआ? कितने साल हो गए? साल कितने हो गए? करीबन 8 से 10 साल हुए। 10 साल में जब बकरों से शुरू किया, इस लाइन में आए, बकरियां लाए, आज के भाव सुने या 4 साल पहले के भाव सुने, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बढ़ी रहा है और उस समय भी बढ़ा होगा। कैसे हुआ, मतलब कितना माल लाए थे? स्टार्टिंग में मैंने 2 मेल परचेस किए थे, उसमें थोड़ा बेनिफिट ना होने की वजह से बकरियां पालने का स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके फिर मैंने बकरियां परचेस की जिसमें पतिरा थी। फिर मैंने अहमदाबाद से एक हैदराबादी बकरा परचेस किया जिसका नाम था सुल्तान, जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है उसकी ब्लड लाइन, समझे। और जब सुल्तान का पूरा मार्केट चलने के बाद और थोड़ा मेरे को उसमें सुधार करने की ज़रूरत पड़ी, जब मैंने हैदराबाद बकरे 2 परचेस किए जिसमें एक इसके पहले था दिल पसंद का डायरेक्ट बेटा लक्की। उसके बाद वापस मैंने एक बच्चा परचेस किया जिसका नाम था अभी आपको बताया कालो। फिर हमारा और एक नया ब्रीडर आया जिसका नाम था प्रिंस, अभी जूनियर प्रिंस से वो पहचाना जाता है, जो माशाल्लाह गॉड फार्म पे अवेलेबल है। अच्छा, है अभी अवेलेबल। और अभी वापस प्रेजेंट में और ज़्यादा क्वालिटी बनाने के लिए मैंने सबको मालूम है हैदराबाद से सबसे महंगा बकरा परचेस किया हूँ। अभी 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 तो अभी वो आया नहीं है ना? आया है लेकिन उसको अभी अपने शो नहीं, लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च नहीं, चैनल पे लॉन्च नहीं हुआ। कब लॉन्च करेंगे भाई साहब? देखो इसमें कमेंट आएंगे। हाँ, क्योंकि आपको जानने वाले लोग भी कमेंट करेंगे और मेरे जानने वाले नए लोग भी कमेंट करेंगे भाई साहब वो बकरा कब आएगा। हाँ, तो एक थोड़ा बता दीजिए कि कब आएगा उसका, आपको लास्ट में दिखा दूंगा, थोड़ा सा हल्की सी झलक हो जाएगी। चलो हम अंदर चलते हैं भाई साहब। देखो जितने लोग वीडियोज में है, पहले ये बता देता हूँ, बहुत जबरदस्त बकरियां हैं, अभी हमने आंखों देखा हाल बताया। जब आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो से आप क्या है कि डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, पहला तो ये काम करो, गाड़ी निकालो, जहाँ से हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, बाइक पे निकलो, अपने आसपास के जंक्शन पे जाओ, ट्रेन में बैठो, 5,000 से ज़्यादा का खर्चा नहीं है इस फार्म पे पहुँचने का। मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, मैं जब घर से बाहर निकला तब मुझे पता भी चला ये। सही है, तो आंखों देखा हाल देखो, कुछ खरीदना है तो यहाँ पे आके मिलो। सर फोन उठाते हैं, बात करते हैं, रात को भी करोगे तो कर लेंगे, है ना? हाँ, कोई ये बात नहीं, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस बच्चे से ही। ये अपने आईपैड का बच्चा है, अपने पास जब पुरानी क्वालिटी थी ना वो ऐसी थी, ये क्वालिटी थी। हाँ, ये है, बड़ी गुलाबी है। हाँ, गुलाबी है, वाइट आईज में रहेगी और पूरा मतलब स्पॉट विदाउट स्पॉट रहेगा बच्चा। ये रिजल्ट किसका है? ये रिजल्ट अपने पास एक छोटे सुल्तान करके बकरा था। हाँ, उसका रिजल्ट है और एक प्रिंस का रिजल्ट है, 2 रिजल्ट है अभी अपने पास। 2 रिजल्ट है, और भी देखना चाहूंगा, जैसे ये पार्ट है, ये कितने महीने की है? ये अभी एक बेहतर भी आ चुकी है, वो मैंने प्रेजेंट में अभी हैदराबाद से मंगवाई है।
ये नहीं लगता है कि ये छोटी रह गई है, जल्दी क्रॉस होगी, ऐसा कुछ? हाँ है, लेकिन वो क्या उनका वहाँ जो जैसा मतलब होता है कि दो दांत पहले भी कोई लोग क्रॉस करवा देते हैं, तो इसी वजह से वो तो दूध में क्या मतलब दूध हो जाता है बच्चे के लिए? हाँ, दूध अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, दूध से कोई तकलीफ। अब ये चीज देखो, ये पूरा मतलब एक्सट्रीम चीज में आ गई है भाई। तुम माशाल्लाह बोल देना और अपने मारवाड़ी जो थुकती डालते वो डाल देना भाई साहब, नगीने देख रहा हूँ मैं। और कितने कितने महीने के हैं ये? अभी तीन तीन महीने की दोनों फीमेल है, जो कालू करके सबसे पहले ब्रीडर बताया ना आपको, ये इसी का रिजल्ट है। क्या कान होंगे इनके? इसके 13-14 होंगे। कितने तक जाएंगे ये मान लो एक साल में? 17-18 कान बनाएगी 100%, क्योंकि इसकी जो ब्लड लाइन है ना वो अपने छोटे सुल्तान की बहन है डायरेक्ट, इसकी अम्मा। अच्छा 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 अच्छा। तो मांगे होंगे लोगों ने, फिर दिए नहीं इस बार? रखने बहुत लोगों ने रेट दिया, लेकिन अपने को आगे और क्वालिटी बनाने के लिए इसको रखा हूँ। हाँ हाँ, तो बहुत शानदार रखी है भाई साहब ये, तीन तीन महीने की है ना? हाँ, तीन तीन महीने की है। दोस्तों इस पे कमेंट करना, देखो भाई का काम है, मेहनत है, मेहनत करेंगे तब आपका भी फार्म बनेगा। जितने भी नए व्यूवर्स, ज़्यादातर लोग जो वीडियो देखते हैं वो नए लोग होते हैं और अपना शौक करना चाहते हैं, दो बकरी भी यहाँ से लेके जाइए और काम शुरू करिए। देखो क्या काम कर रहे हैं भाई साहब आप। देखो मैंने आपको बताया ना, इसमें मैंने चेहरा भी डाल दिया और कान भी आ गया। ये पंच फेस का काम जो शुरू हुआ है, ये अहमदाबाद का मेन काम हो गया। हाँ, अहमदाबाद में पंच फेस के साथ गुलाबीपन का शौक है हमारा, गुलाबी प्लस पंच फेस। ये तो पूरा वो कपला टाइप का बच्चा है, पूरा गुलाबी, इतना गुलाबी है और यही क्वालिटी, थोड़े कान कम है वो भी आ जाएंगे। हाँ, अब जो नया ब्रीडर लाया हो ना, वो इसके ऊपर इसका रिजल्ट आएगा, अब उसी पे क्रॉस। हाँ, उसी पे, और इससे भी एक्सट्रीम चीज निकलेगी। तो भाई साहब एक साल हम वेट करेंगे जी, और फिर आगे वीडियो बनाएंगे। जी जी, सही, बहुत शानदार। अब बड़ी बकरियां भी दिखा दीजिए, एक मेल देखना चाहूंगा, मेल बच्चा है कोई ऐसा? नहीं, छोटा? मेल नहीं है एक भी, मेल जो स्टार्टिंग में आपको दिखा था वही है, वो भी आपके राजस्थान में आया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, जानते होंगे राजस्थान वालों को कुछ? हाँ, सबको जानता हूँ, मैं किसानों के वीडियो डालता हूँ, उनको जानते हैं। हाँ, पीपाड़ में जो इमरान भाई खान गोट फार्म करके है, फिर साबुद्दीन भाई एवन गोट फार्म वाले, नदीम भाई जमजम गोट फार्म वाले, मतलब ये तो सारे फेमस फेमस आदमी हैं। और ये देखो भाई, अब क्या देखें इसमें सर, अब कान देख लो आप इसमें। मेरे को ये बताओ ना, अपने पास सबसे पुरानी बकरी है? हाँ, सबसे पुरानी है ना मेरे पास। अच्छा अच्छा, देखते हैं पुरानी आपके फार्म की। भाई मैं ये सबसे पहले लाया था और वो आज तक अपने फार्म पे है या 6 साल हो गए, 5 साल हो गए? ये है, ये रहे अपने पास सबसे पुरानी फीमेल अभी। ये भी पंच फेस के अंदर है? हाँ, पंच फेस में, गुलाबी में, मेवाती में, मेवाती में है। हाँ, अब देखो, अब इसका मैं न्यू वर्जन दिखाऊँ, इसकी बेटी है। हाँ, दिखाइए ना, न्यू वर्जन अपडेटेड, अब देख लो क्या बात है भाई साहब। दोस्तों कमेंट करते रहना, देखो बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। ये कितनी बार भी आ चुकी है? अभी एक बार भी आई, अभी सेकंड टाइम में लोड है। तो इसकी तो नस्ल होनी चाहिए आपके पास, 4-5 पाठे होनी चाहिए इसी। लेकिन अभी इसके मेल बीच में आए थे तो मैंने मेल तो सेल कर दिया, खाली फीमेल में रख लेता हूँ। बड़ी खूबसूरत रखी है आपने। अच्छा, ये जो बकरियाँ सारी पतिरा से? सब पतिरा से और सब मेरे होम ब्रीड की फीमेल है। ऐसी बकरियां मांगी तो होगी लोगों ने आपसे। ये हाँ, कितने कान है एक बार भाई साहब बताइए? ये करीबन 17+ होंगे, 17-18 कान होंगे। मेरे को ज्यादा लग रहे हैं ये। हाँ, लेकिन अपने क्या शौक करते हैं उसमें मेजर टेप कम करते हैं। करना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये भी अपना घर की फीमेल है, देखो जो खूबसूरती। ये इन्होंने बच्चे, इसके बच्चे बिक गए? नहीं, अभी वो लोडेड है। ये लोडेड है? हाँ, अभी लोड हुई है। कितने टाइम में दे देगी? अभी ये समझोगे 2 महीने की कंफर्म लोडेड है। अच्छा, इसके बारे में बताओ ना थोड़ा मेरे को, ये क्या है? हाँ, ये जो मैंने बताया था ना, मेरे पास लक्की करके एक बकरा था, थोड़ा सा मुझे। हाँ, ये लक्की की बेटी है। दोस्तों इतनी गुलाबी है कि ये स्क्रीन पे भी वाइट आ रही है, देख लो आप। थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोस्तों, आना तो पड़ेगा। देखो ये चीजें देखने के लिए आना पड़ेगा और इनसे बात करनी पड़ेगी, इनका माइंड सेटअप समझना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर आइए। हाँ, ये देखो, ये सोजस से निकली हुई है या पतिरा है? ये आईपैड है, ये भी आईपैड में। सर को वो गेट देना एक बार, ये बीच में आ रही है। हाँ, गेट दे दो। शाहरुख भाई आपको दिख रहे होंगे, रात को आ गए थे बुलाते ही। ये देखो, ये क्या कान है इसके? कितने है? इसके भी 17-18 कान होंगे। कितनी बार ब्याई है ये? अभी ये 2 बार ब्याई है, 3री बार में लोड है। मेन मोटिव यही है कि कुल मिला के आपको इस ब्रीड को और आगे बढ़ाना। हाँ, है ना? और आगे बढ़ाना है। अच्छा, ये ब्याने वाली बकरियां कितनी हैं अपने पास? अभी करीबन 15-20 फीमेल है। बड़ी फीमेल जो बच्चे देगी, बच्चे देने में तैयारी है मतलब। हाँ हाँ, बाकी वैसे तो मेरे पास 30-40 फीमेल है। 40 फीमेल है और 15-20 फीमेल पॉट है जो छोटी है अभी। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, लोगों के कमेंट आए, पहला कमेंट ये था सर आपने रेटे नहीं पूछी, ऐसी बड़ी फीमेल की क्या रेट आती, क्या रेट में आती है? देखो पूछना जरूरी है। देखो क्वालिटी पे डिपेंड करता है रेट। आप करीबन 30,000 से स्टार्टिंग रेट है बड़ी फीमेल में मेरे पास। हाँ,
अच्छा, मैंने एक बार आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप बेचते भी थे बकरियां लाके। हाँ, जब लोगों का शौक हुआ और आपका वीडियो वायरल हुआ, हाँ, तब आपके पास लोग आते थे। सही, अब वो काम बंद कर दिया? नहीं, अब वो काम बंद कर दिया क्योंकि ट्रेडिंग के काम में क्या होता है कि बाहर से हम जब माल लाते हैं तो कई जानवर ऐसे होते हैं जिसको वैक्सीनेशन नहीं होता, और लाके हमारा जो वैक्सीनेशन वाला माल रहता है उसके अंदर वो बीमारी फैलती है। और दूसरी बात कि लोगों का जो ट्रस्ट रहता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम हमारी क्वालिटी डेवलप करते हैं और लोगों को देते हैं। हालांकि आज हम बाहर से लेके सेल करेंगे तो लोगों को लगेगा कि इनकी क्वालिटी नहीं हो, तो मालूम ही पड़ जाती है, लेकिन अपना नाम और ख़राब हो जाता है उसमें। अच्छा, ऐसा होता है जो बकरी बेचनी नहीं है उसके लिए लोग बोलते नहीं देनी पड़ेगी ये वो, फिर लड़ाई भी होती है, थोड़ा नाराजगी होती है। मेरे पास है 3 से 4 फीमेल जो अच्छे अच्छे रेट, जो आज लोग मैं रेट बोलता हूँ तो लोग हंस जाते हैं, इतना सारा रेट मेरे को दिया है फिर भी मैंने नहीं दिया वो फीमेल। अच्छा, हाँ, इसके लिए मैं आपको ऐसी मुंह मांगी दाम समझ सकते हैं। अच्छा, बकरियों पे काम करते हैं रिजल्ट पे भी तो रहते हैं कि इसका रिजल्ट वैसे ही आना चाहिए। अब ये देखो भाई, क्या कहने है इसके, इसके भी 18 के आसपास होंगे। ये भी मेरा पत्तेदार कान है, खुले कान, उसको मतलब करने की जरूरत नहीं है, दिख रहे हैं इतने बड़े। ये अपने होम ब्रीड की फीमेल है। अच्छा, अपने सबसे पहले अपने पास ए क्वालिटी में फीमेल थी, आप देख लो। और इसके अंदर अपने सुधार करके अभी ए क्वालिटी बनाई, मतलब पतीरा से गुलाबी निकला है। हाँ, पतीरा से गुलाबी निकला है, बहुत शानदार। अच्छा, मेवाती में और लेके आए आप? हाँ, मेवाती में मैं आपको पूरी एक जनरेशन बताऊंगा जो अभी मेरे पास अवेलेबल है। दिखाओ ना, हम तो वही देखना चाहते हैं, हम तो इतना दूर से इसीलिए आपके पास आए कि लोगों को कुछ नया देखने को मिल जाए, तो यहीं से देखते हैं अपने ना। देखिए, एक जमुनापारी में बकरी मेरे को दिख रही है ना। हाँ, है, देखो। हाँ, कोई बात नहीं, ये पूरा एक ही खानदान है। ये वाली माँ कौन सी होगी? ये बड़ी माँ है, उसकी बेटी और ये वाली माँ है जिसपे ये वाली, ये इसकी बेटी और ये इसकी बेटी। हाँ, चारों को फेस दिखाओ भाई, फेस से पता चल जाएगा ना। हो, कमेंट करना दोस्तों। देखो, अपना घूमना सार्थक हो गया आज तो। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हम लोग जो आए हैं, थोड़ी बारिश को झेल के आए हैं, पर लग रहा है कि सही में आज बहुत अच्छा काम हो गया। पंच फेस लाने का आइडिया कहाँ से आया? पंच फेस सबसे पहले मेवाती ऐसी फीमेल है जो पंच फेस निकाल सकती है, वही निकालती है। हाँ, वही निकालती है। और अभी जो नए ट्रेंड में जो बड़े बकरे आए हैं, एक बार इसको दिखाओ, क्या कान होंगे इसके साथ? इसके 20-8 कान है। ये मेवाती से आई है, पतिरा से आई? नहीं, ये हैदराबादी से आई हुई है। क्यों हैदराबादी? हाँ, है? बाप भी हैदराबादी। अच्छा, इसकी जो दो पट्टे आपने एक वीडियो में दिखाई थी वो वही है इसके साथ? एक और थी इसके, इसका एक मेल था अभी मेरे पास जो। अच्छा, अभी मैंने आमेना गॉड फार्म पे सोल्ड आउट किया है। क्या रेट? वो 3.5 महीने का बच्चा था और 16.5 कान पे था। क्या रेट में दिया होगा? ओ, मैंने अच्छे रेट में दिया, सबको मालूम ही है, क्योंकि देखो क्वालिटी लेनी हो तो रेट तो देना पड़ेगा। आप कोई भी जगह पे बनानी है तो भी रेट देना। और वैसे डायरेक्ट तो क्वालिटी नहीं बन सकती, इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत सारा पैसा भी डालना पड़ता है इसके अंदर। सही बात है। और ये भी अपने होम ब्रीड की फीमेल है। अच्छा, जैसे कल हमारी एक फार्मर से बात हुई थी यही अहमदाबाद में, बोला कि शुरू करना चाहते तो 2 बकरी से शुरू कर लो। हाँ, लेकिन क्वालिटी अच्छी रखो। सही है, वो एकदम सही बात है। और 2 फीमेल भी अच्छे घर से लो। हाँ, सही बात है। 2 फीमेल आप परचेस करो तो आप पहले उस जगह पे जाओ, वहाँ का पूरा सेटअप देखो, वहाँ की क्वालिटी देखो, उसके बाद आप वो चीज़ पसंद करो और इसके बाद लो। कितने सालों से वो चला रहे हैं, कैसी ब्रीड रख रहे हैं, सारी चीज़ें वो मैनिपुलेट करनी पड़ेगी दोस्तों। देखो, ये बड़ा सीरियस काम है, आप लोग गोट फार्मिंग को ऐसा ना समझें, क्योंकि फालतू के गोट फार्म में आने से भी मतलब नहीं है, कम में भी करो लेकिन क्वालिटी में करो। हाँ, बस, है ना। 100 पालने से बेहतर है 10 पालो। हाँ, ये देखो, ये डायलॉग है ना, ये नंबर 1 डायलॉग है, ये सबसे फर्स्ट में चलेगा। इधर आइए आप। अभी मैं यहाँ देख रहा था, वो कहाँ गई, क्या नाम था, मैंने जमुनापारी देखी इसमें, पता नहीं। अच्छा, मेरे को लगा जमुनापारी ये एक तो ये इसको आप जमुनापारी बोलते हैं ना, मेवाती? ये मेवाती है, जमुनापारी। पप लगा हुआ था, एक बकरी ऐसी थी मैंने देखा था, अभी यही खड़ी थी वो, कहाँ निकल गई होगी शायद। कोई बात नहीं, ये कहाँ से लाए थे आप? ये हमारे उधर की है, राजस्थान। हाँ, ये राजस्थान से परचेस की हुई है। इसका रिजल्ट वाइट में आया क्या? भाई, इसका रिजल्ट मैं आपको क्या बताऊँ, सबसे पहले वहाँ से लोड आई थी जब 3 बच्चे डाले थे इसने। हाँ। और उसके बाद मेरे पास जो सुल्तान करके बकरा था उससे मैंने लोड करवाई, तो उसी का बच्चा मैंने अहमदाबाद में 1,25,000 रुपये का बिका था इसका बच्चा। वो अभी फिलहाल अहमदाबाद में ब्रीडर खड़ा है। उसका रिजल्ट जो आता है वो माँ पे आता है कभी ऐसा? नहीं, 100% बाप पे आ जाता है। गुलाबी आता है? हाँ, गुलाबी आता है।
ये चीज है, ये जाननी जरूरी। हाँ, इस बकरी के बारे में पूछ रहा था, ये इसका मुंह ऐसे कैसे है, मैं थोड़ा ये हंसा ब्रीड है जो इटावा है ना, इटावा वहाँ की ये ब्रीड है। तो ये कुछ जुगाड़ करके मंगवाई? नहीं, ये जुगाड़ करके नहीं, अपने अहमदाबाद में अपने एक भाई है उससे पास से, मैंने छोटी 3 महीने की थी तब मैंने परचेस की थी। अच्छा, इसका रिजल्ट कैसा आया फिर? और एकदम अच्छा रिजल्ट है, अभी प्रेजेंट में भी इसका बच्चा मैंने इंदौर में दिया। अच्छा। हाँ, और अभी फिलहाल वापिस जो अपना डॉन करके बकरा है ना उसे लोड करवाइए। हाँ, वो जो नया वाला है। हाँ, अब आप लोग बोलेंगे कि हैदराबाद क्यों नहीं इसके ऊपर सक्सेस हुआ और क्यों आपने इसको हैदराबाद क्यों नहीं क्रॉस किया, तो उसकी वजह ये है कि हैदराबाद में ये रिजल्ट नहीं डालेगी ये फीमेल। नहीं डालती है? नहीं नहीं डालेगी, नहीं आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन ये खाली मैं आपको बता रहा हूँ मेरा जो तजुर्बा है उसके ऊपर से कि ये रिजल्ट नहीं डालेगी हैदराबाद में। 10 सालों से काम कर रहे हैं आप। हाँ, उसको पहले मुंडा लगाना पड़ेगा या सिंग वाला कोई भी लंबे कान का एक बच्चा डालो, उसके बाद उसके अंदर जो फीमेल गिरेगी ना उसके अंदर आप हैदराबाद लगा सकते हो। इसकी कोई फीमेल बचाई आपने? नहीं, इसके अंदर हर एक मेल ही आया है, दो बेरी दोनों दो बार मेल आया है। कोशिश कर रहे हैं ऐसी एक फीमेल भी और मिल जाए ताकि इसकी नस्ल को और बढ़ाया जा सके ना। सही है, ये चीज होनी जरूरी है। अच्छा, ये बच्चे जो अपनी प्रदर्शनी में पड़े हैं ये अच्छा लगा है ना सर? ये उसमें क्या ऊपर रखने की वजह वही है कि बच्चे नीचे रहते हैं तो पूरा दिन उसकी माँ का दूध नहीं पीते, और नहीं पीने के बाद क्या बच्चे को ग्रोथ अच्छा रहता है, क्योंकि पूरा दिन वो बच्चे दूध पियेंगे ना तो माँ को कमजोरी आ जाएगी। इसमें ये दो कलर के कैसे आए ये थोड़ा बताओ? वो देखो, अब इसमें क्या है, जो मेरा पूरा फार्म है ना वो ब्लड लाइन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब जो दोनों जो कलर वाला बच्चे है ना उसकी माँ का कोई लाइन नहीं है, बाप का नहीं कोई ठिकाना है, नहीं माँ का कुछ ठिकाना है। मतलब उसकी माँ कोई देसी ब्रीड में से अच्छी नस्ल बनी हुई है, हालांकि कोई भी चीज दादी नानी पे आ चुकी है। मतलब वो कोई पे आते हो गए। अब देखो उसके सामने और भी दो बच्चे है, वो भी अपने कालू का ही रिजल्ट है। अच्छा अच्छा, समझा। हाँ। आप ब्लड लाइन के ऊपर काम करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। ये बच्चे कितने दिन के हैं? वो 15-15 दिन के जो लाल वाले बच्चे, और जो अभी वो 6 दिन का जो अभी खड़ा होकर आया हो, ये देखो, ये देखो, और ये जो नीचे बैठा हुआ है ना वो 1 महीने के आसपास के हो। दोनों मेल हैं? तीनों मेल है? हाँ, तीनों तीन मेल है, लेकिन वो सब बच्चे बिक चुके हैं, फेल हो गए। हाँ, सब बच्चे। अच्छा, इसमें जो है वो अभी छोटे, अभी उसको 1 महीने के बाद उसको निकालेंगे। निकालेंगे, ये देखो भाई। अच्छा, बुकिंग हो जाते हैं ऐसा है? हाँ, एडवांस बुकिंग कर लेते हैं, जब बच्चे आते हैं तो हम उसको पार्टी को वीडियो डाल देते हैं, जब वो खाना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पे हम दे देते हैं। तो वेट करते हैं लोग? हाँ, वेट करते हैं। मतलब बेचने वाली समस्या तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, 0% है। जब क्वालिटी में काम करते तो आप माल कहाँ बेचोगे, ये समस्या तो खत्म हो गई। वो समस्या खत्म हो जाएगी, आपको सोचने में आना ही नहीं चाहिए वो कि मैं माल कहाँ बेचूं, अगर आप क्वालिटी रखते हैं तो। ये देखो, ये काम की बात है, क्योंकि आप क्वालिटी रखो। हाँ, क्योंकि हमारे इधर लोग 500 600 400 800 800 1000 किलोमीटर से लोग इधर विजिट करने आते हैं, क्यों इनको मालूम है इधर क्वालिटी मिलती है आज। सही बात है। ये दूध में कैसी है पतिरा? दूध में तो थोड़ा मीडियम रहता है, क्योंकि बच्चों को पाल सकती है। हाँ, बच्चों को आराम से पाल सकती है। अगर बाय चांस कोई को दूध नहीं है, कम है, तो हम बाहर से भैंस का गाय का वगैरह भी इंतजाम कर लेते हैं। सोजत और सिरोही ट्राई नहीं किया कभी? नहीं, हम तो सोजत के गढ़ में है भाई, क्यों नहीं किया? नहीं, सोजत के गढ़ में क्या है, सोजत हमारे इधर कोई परचेस नहीं करता है दूध। दूध दूध हाँ, दूध के लिए सबसे अच्छी है, और हाँ, सोजत सिरोही दोनों दूध के लिए अच्छी। एक एक दो तो बकरी रखनी चाहिए, देखो क्या है कि कभी किसी का दूध कम हो जाए तो आपके वो अच्छा है। दूसरा, उसका रिजल्ट आपके फार्म पे कैसा आता है वो भी उस पर डिपेंड करता है। हाँ, रिजल्ट तो मिलेगा, रिजल्ट तो मिल जाएगा, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन उसमें क्या रहता है, मैं और एक आपको चीज बताऊँ कि अगर हम वो चीज रखेंगे ना तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है हैदराबादी और पतिरा का जो क्रॉसिंग है, यहाँ हैदराबादी का क्रॉसिंग है, अगर समझो कोई बकरी कोई बकरे के ऊपर बच्चा डाल दी, सोजत या गुजरी कोई भी आप राजस्थान की ब्रीड पकड़ लो, तो उसमें जो ब्रीड बनेगी ना और आगे जाके मैं सेल करूंगा तो वो मेरा नाम खराब करेगी, समझे बात। इसीलिए वो नहीं रखने की वजह वही है। दूध अगर हमारे को महंगा पड़ता है तो हम बाहर से कहीं भी परचेस करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो ये पतिरा में भी कई सारी ऐसी फीमेल रहती है जो ज्यादा दूध वाली रहती है, वो हम बाहर से परचेस कर लेते हैं। अच्छा, ये बताओ ना, आने वाले जो 5 साल है, 5 साल में अपने फार्म को किस लेवल पे देखना चाहते हो, कैसी बकरियां देखना चाहते हो अपने फार्म पे, जो आपका एक मेन विजन तो होगा? मेरा सबसे बड़ा वही ड्रीम है कि इंशाल्लाह आने 5 साल बाद मेरे वहाँ सब फीमेल, एक भी फीमेल ऐसी नहीं रहेगी जो 20 कान के नीचे होगी। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है और उसी के लिए अभी मेरी तैयारी एकदम जोरदार चालू है। और देखो, कर भी रहो, दिल लगा के करना पड़ता है दोस्तों। इस फार्म को संभालना, एक एक दो दो बकरी लोगों से नहीं संभलती है। सही है। एक फार्म को संभालना और इस फार्म में भी ये क्वालिटी को संभालना बड़ी व्यवस्था है। बारिश की वजह से कोई दिक्कत वगैरह परेशानी नहीं? कुछ नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन आपने बड़ा हमारे उधर का करवाया है, ये केलू ये बहुत पुराना मतलब कंस्ट्रक्शन था ही इधर,
और इसमें क्या रहता है कि ठंडी के टाइम में बकरे अच्छे से बैठ सकते हैं, मतलब उनको नहीं ठंडी लग रही है और गर्मी के टाइम में इनको नहीं गर्मी लग रही है। अच्छा, और मैंने मक्खिया भी नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, मक्खिया भी नहीं मिलेगी क्योंकि डेली अपना साफ सफाई का रहता है। दूसरी बात के जो क्लीनिंग का जो पाउडर रहता है वो भी हम डाल देते हैं 2 दिन बाद एक बार। अच्छा, ध्यान रखने के लिए सारा कुछ। कितने लोग संभालते हैं इस फार्म को? बस मैं अकेला ही हूँ और मेरा भाई है हुसैन भाई जो मेरे हेल्प में काम कर रहे हैं। वन मैन आर्मी। हाँ, वन मैन आर्मी। ये देखो बहुत बहुत शानदार काम है, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा पर्सनली। शाहरुख भाई कैसा लगा आपको? शाहरुख भाई निकल के आ गए हैं रात को। हाँ, शाहरुख भाई काफी टाइम से हम जुड़े हुए लेकिन वो मिलना नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, और मिले आज वो जीपी भाई की। हाँ, मेरे लिए शाहरुख भाई भी रात से ही पाली से निकल गए थे। मेरे बोला रात को, बोला मैंने कहा चलना है जी, तो बोला ठीक है निकलते हैं यार। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना सारा टाइम निकाल के। हमको आना है सर, हमको ये चीजें दिखानी जरूरी है, एक्सप्लोर करना जरूरी है। आप चीज दिखाओगे तो लोगों को और शौक बढ़ेगा, लोग क्वालिटी के बारे में जानेंगे। आज लोग कैसे चीज ला के कहीं बोल देते बेच देते वो अलग बात है, लेकिन क्या तुम दिखाओगे तो और तुम्हारे उधर के जो फिर कुछ आता भी नहीं है, बोलते समझ जाओ नहीं है। 50,000 कौन देगा? कोई नहीं देगा। और वो दे रहा है उसके ढाई फाजे में फारा विजिट करो। वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे आज हम लोग यहाँ आए ना तो आंखों देखा हाल देखो आप। जब इस लैंड में है, उस लैंड से पूछो कि भाई बच्चा ये है रियल में है या नहीं है, सीधा बोलो ना, वीडियो कॉल करके दिखाओ। सही है, दिखाओ ये चीज है ना। कोई भी माल कहीं से भी आप परचेस करो, मैं बताऊंगा। तैमिना में क्या पता, तैमिना में खरीद लिया बच्चा। सही बात है, सही है, वो वाला हिसाब है, लोग बताते नहीं है। और अभी हुआ है ऐसा, बहुत हुआ है। और अभी सोशल मीडिया के टाइम में सबसे ज्यादा फ्रॉड वही हो रहा है कि लोग मार्केट में 50,000 की चीज डाल के 20,000 रेट लिख देते हैं और जो नए लोग होते हैं ना उसके अंदर फंस जाते हैं। सस्ता बिकता है ना बॉस? नहीं, सस्ता लोग खरीदना चाहते हैं। हाँ, सस्ता वो खरीदना चाहते हैं और अच्छी चीज कभी सस्ती नहीं होती। सही बात, सस्ती चीज कभी अच्छी नहीं होती, वो चीज याद रखना आप। करता नहीं है फिर। बिल्कुल सही बात है सर। खाने का क्या रहता है इनका? इनको कुछ स्पेशल डाइट होती है? नहीं, कोई स्पेशल नहीं। हमारे इधर का जो सुबह में हम चारा लीला आता है वो खिलाते अभी तो ये बारिश के टाइम में, बाकी तो मूंगफली रहती है हमारे पास। और शाम में एक टाइम डेली उनको दाना देते हैं हम, जिसमें चना की फोतरी आती है, गेहूँ आते हैं, घोड़ा जीरा आता है, जौ आता है, मक्का आती है, वो सब मिला के देते हैं। यानी कि जो नॉर्मल बकरी आप साधारण बकरी लेते हैं वो भी यही खाती है और महंगी लेंगे तो भी यही खाएगी। खर्चा एक है लेकिन कमाई अलग अलग है। हाँ, बस कमाई अलग अलग है। बहुत अच्छा, कमाई के बारे में मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं दोस्तों, आप समझ सकते हो क्योंकि बड़े फार्म पे हूँ मैं और यहाँ पर जो क्वालिटी ये लोग रख रहे हैं ये देख लो आप, ये समझ लो। इतना पूरा वीडियो अगर आपने देखा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। वो बकरा अभी शो करोगे या नहीं ये बताओ? बस करेंगे, खाली एक ही बार आप पूरा मतलब व्यूअर्स को दिखा दो के पूरा सब चीज दिखा दो के क्वालिटी है वो। बिल्कुल, मैं एक शॉर्ट वीडियो भी लूंगा। और दोस्तों क्वालिटी आप वैसे भी देख चुके हैं, मैं एक एक बकरी निकालना ज्यादा जायज समझता नहीं हूँ क्योंकि सारी बकरियां आपको दिख चुकी होगी, इतना दिखाना मेरे को लगता नहीं है। क्या दिखाऊं मैं आपको, आप यहाँ पर आइए, वीडियो में सारा दिख चुका है, एक एक क्वालिटी दिख चुकी है। पंच फेस में ये काम कर रहे हैं, गुलाबी के अंदर काम कर रहे हैं और अब तो बकरियाँ हो गई है सारी की सारी क्वालिटी में। ये क्या, ये बच्चा है, मेल है क्या इसमें? हाँ, मेल बच्चा है। हाँ, ये दिखाओ ना आप। कौन सा? ये दोनों फीमेल है, ये तीनों तीन फीमेल है। अच्छा, ये भी फीमेल है क्या? हाँ, आप दो फीमेल आए थे। हाँ, ये वाली ऊपर वाली बाकी रह गई थी। हाँ, वो भी भारी है। अच्छा, ये वजन में क्या होगी? वजन का तो कोई माप नहीं है, आपने को आइडिया? शाहरुख भाई बताओ ना, अभी शाहरुख भाई अच्छे से जानेंगे। वजन वाले भाई साहब हमारे साथ है ना। हाँ शाहरुख भाई, बीस से बाईस किलो। अब 20-22 है, बड़ी खूबसूरत। शाहरुख भाई बहुत क्वालिटी में काम कर रहे हैं, पूरी क्वालिटी के ऊपर दिखता है। नहीं, एक एक होता है ना कि एक ब्रीड कितना वजन ले लेती है, क्या है इसके डाइट के ऊपर है। हाँ, डाइट के ऊपर है, आप जितना जैसा खिलाओगे वैसा डाइट वजन करते रहेगी वो तो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं वीडियो लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमको लेके आए। हाँ, अरे हुसैन भाई आए नहीं, आप इधर आओ ना, ये हमारे मेन यही समझ लीजिए खिलाड़ी यही है इस फील्ड के, ये और कल भी यही है थे यार। हुसैन भाई फार्म भी है, वो भी हम विजिट करेंगे। हुसैन भाई फार्म तो विजिट करवा दो। हुसैन भाई क्या बोल रहे हैं, मेरा फार्म सबसे लास्ट में विजिट करेंगे, ऐसा क्यों? दूसरों का कर लो पहले। हाँ, सबका करेंगे। हमारे भाई है, बड़े भाई, ये भी फार्म खोला इन्होंने नया, इनको भी
मेरी दिलाई की अच्छी से अच्छी। बिल्कुल, ये इसीलिए आए हैं सर, ये सब चीजें देखेंगे। नहीं, पहले आप कोई भी चीज परचेज करने के पहले आप कम से कम 5 से 10 फॉर्म विजिट करो, ताकि आपको हर एक चीज का नॉलेज होना जरूरी है। अब देखो, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है, वो कुछ काम के नहीं, आप लेने के लेके आगे भी जाओगे, लेकिन किस तरह उसको केयर टेक करना है, वो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो सब तुम्हारा फेल है। सही बात है, समझे। पहले लोग जैसे जुट रहे गोन भाई, तो वो क्या करोड़ों रुपए फार्म पे खर्च कर देते हैं, ब्रीड पे नहीं करते, फिर बोलते हैं कि नुकसान वाला काम हो गया। वही ब्रीड पे खर्चा करो, फार्म पे कम करो। सही है, और हर नस्ल में ब्रीड है। आप जैसे अब ये लोग जो इनका मेन मोटिव है लंबे कान गुलाबी के अंदर एक्सट्रीम क्वालिटी की ये बकरियां लाना, अलग अलग फार्मों पे हम घूमे, अलग अलग फार्मों पे अलग अलग ड्रीम लगे हुए, लेकिन उन लोगों का मेन ये है कि वो नस्ल पे काम, नस्ल पे काम करेंगे। अगर 20,000 की बकरी हो ना, तो उसपे कम से कम 1.5 लाख का बकरा होना चाहिए। सही है, दो बच्चे आते हैं, क्वालिटी बच्चे, क्वालिटी बकरी 10,000 बकरा लगा रहे हो, फिर वो दो आते हैं लोग 5,000 देते, 6,000 देते, फिर वो रेट में बहुत दिक्कत होती है, फिर बोलते हैं नुकसान हो रहा है। सर ये थैली में देख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये अपने जो मक्खी के लिए मैंने लटकाई हुई है, इससे सही में होता है क्या? 100% होता है। 4-5 फार्मों पे देख लिया यहाँ पे तो। हाँ नहीं, होता है 100%, लेकिन उसको लाइट के नीचे रखना जरूरी है। अच्छा, ये पॉलीथीन में पानी डाल के बांध दो और लाइट के नीचे रख दो। हाँ, क्योंकि कई लोग थोड़ी दूर लटका के बैठे हुए और बोल रहे हैं मेरे को उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये पहली बात वही है, उसको लाइट के नीचे रखना जरूरी है। तो इसका रिएक्शन क्या होता है उसमें? देखो, आप भी देख सकते हो, अगर वो उसके थैली के ऊपर जो अगर लाइट गिरेगी ना, तो उसके अंदर से कोई रोशनी गिरती है, देखो रोशनी बाहर निकल दे, उससे क्या जो मक्खियां रहती है उसकी आंखें अंधी हो जाती है, तो उसी डर के वजह से मक्खियां भग जाती है, इसीलिए वो नहीं आ रही है। हाँ, ये पूरा लॉजिक है। अरे वो जो लगी हुई है यार, 15-20 थैली से ज्यादा लगी हुई है, सब साइड लगी हुई है। अब आप भी खड़े हो, देख लो, आप एक भी मक्खी नहीं दिखी। तभी तो मैंने आपको वही पूछ लिया, मैंने कहा यार मक्खी नहीं है इधर, क्या है? मतलब हम जहाँ जाते हैं लगता है कि बकरी है तो मक्खी रहेगी, यहाँ है नहीं। सफाई भी पूरी है, सफाई डेली करना जरूरी है फार्म के अंदर। हाईली इक्विप्ड ये पूरा फार्म है दोस्तों, और क्या शानदार बनाया है, मतलब इतना ठंडा ऐसा फील हो रहा है। वैसे बारिश का मौसम है, ठंडा है, लेकिन गर्मी में अभी आओगे आप, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गर्मी होगी, क्योंकि ये हम राजस्थान में देखते हैं, हमारे घरों में लगे हुए थे, तो ये समझ सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और भाई साहब के बारे में बताना, जो पहले से जानते हैं वो भी बताना, और जो नए लोग हैं वो इनकी बातचीत से क्या प्रभाव पड़ता है वो कमेंट करके जरूर बताना, कैसे लगे ये जरूर बताना। धन्यवाद।